हेलो दोस्तों, रोजगारी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसा कि लगातार सऊदी से, दुबई से, मींस गल्फ कंट्रीज से गुड और बैड न्यूज़ लगातार आती जा रही हैं। इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है। 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है ऑलरेडी, और अभी 20 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ लोगों को नौकरी अभी मिलती जा रही है। जो 27% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है 27% हो गया था, और ये मैं CMII की रिपोर्ट बता रहा हूँ, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी की जो रिपोर्ट थी वो 27% से ज़्यादा पहुँच गई थी। फिलहाल थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड की गई है। अब इसी तरह से सभी कंट्रीज़ में है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से लोकलाइजेशन करेंगे, मतलब वो अपने लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुवैत में भी इस तरह का प्लान हुआ है कि वहाँ से 8 लाख लोगों को निकाले जाने की संभावना है, और वो किस तरह से है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद में सऊदी से भी, वहाँ से भी 1.2 मिलियन की संभावना है, 1.2 मिलियन इस एक्सपैट्स की बात कर रहा हूँ। इसमें अदर कंट्रीज़ के भी लोग होंगे इंडियंस के साथ साथ, तो मैं वो भी बताऊँगा कि वो लोग कैसे निकालने का, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, कितने सेक्टर्स में इसका नुकसान होगा, कितने सेक्टर्स अफेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके पहले मैंने ओमान के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी बहुत सारे वेबसाइट और बहुत सारे जेन्युइन सोर्सेज से मैंने डेटा कलेक्ट किया था, और ये वीडियो अपलोड किया था कि वहाँ से 7 से 8 लाख लोगों को निकाले जाने की प्लानिंग हो रही है, और वो 2021 तक अगर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो वहाँ पे भी इंडियंस को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको फेक न्यूज़ कह दिया। कोई बात नहीं, आपको सोर्सेज कलेक्ट नहीं करने हैं, लेकिन सोर्सेज पे जाके चेक ज़रूर कर लीजिए, जो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, और सारी चीज़ें स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो चीज़ आप वेरीफाई कर लें, और उसके बाद खुद डिसाइड करें कि ये फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कुवैत में जो लोग निकाले जाएंगे और सऊदी में जो लोग निकाले जाएंगे वो किस तरह से निकाले जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूँ, कुवैत में एक्सपैट कोटा बिल इसको ड्राफ्ट कर दिया गया है, और वहाँ की कुवैत की असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी को अप्रूवल भी दे दिया है इस ड्राफ्ट का। मीन्स कि अगर ये बिल का ड्राफ्ट बन चुका है तो इसमें एक्ट बनने में कोई देरी नहीं। अगर ये एक्ट बन जाता है, मीन्स लॉ बन जाता है, तो फिर वहाँ पे 8 लाख इंडियंस को वापस आना पड़ेगा इंडिया। क्योंकि जो कुवैत की टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 42.5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें 33 लाख एक्सपैट्स हैं, मतलब टोटल 70% वहां पे एक्सपैट्स काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख सबा अल खालिद अल सबा ने अनाउंसमेंट किया था जून में कि उनको जो है 70% से 30% में एक्सपैट्स का रेशियो करना है। मीन्स कि वहाँ पे जो 70-33 लाख की पॉपुलेशन है उसको कम करना है, और उसके बाद जो लोकल के लोग हैं उनको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 14.5 लाख इंडियंस जो कि कुवैत में जॉब कर रहे हैं, और ये PTI की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिपोर्ट निकाल के दी है। और 14.5 लाख में उनको इंडियंस एक्सपैट्स के डेटा का रेशियो जो रखना है वो 15% रखना है। तो अगर ये पास हो जाता है और ये लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है वहाँ पे, तो 8 लाख इंडियंस को वापस इंडिया आना पड़ेगा, और ये बहुत ही बड़ा नुकसान है इंडिया के लिए। अगर वापस आते हैं तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है और भी बेरोजगारी बढ़ेगी इंडिया में। तो अब मैं आता हूँ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में भी प्री प्लानिंग हो रही है कि वहाँ से 1.2 मिलियन लोगों को निकाला जा सकता है। जदवा इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि अपने डेटा के अकॉर्डिंग बता रही है कि 12 लाख लोगों को, उनके जो वर्कर लेबर हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैम्पर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, उनमें से निकाले जाने की पूरी संभावना है। और रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, ये बताया जा रहा है कि एंड ऑफ 2020, मतलब कहने का कि 2020 तक वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होगा वो 12% तक मेंटेन रहेगा। मीन्स कि 12% से कम नहीं होगा, अगर निकाल भी दिया जाता है तो भी। तो जदवा इन्वेस्टमेंट कंपनी
कि जो रिपोर्ट है उसमें ये 1.2 मिलियन लोग जो निकाले जाएंगे वो कौन कौन से सेक्टर में हैं मैं आपको बता देता हूं, और जदवा इन्वेस्टमेंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जदवा इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है जो सऊदी अरब की कैपिटल मार्केट के अथॉरिटी के अंडर में काम करती है और जिसका हेडक्वार्टर रियाद में है। 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी। तो इस कंपनी का बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, बहुत सारे सेक्टर्स में है, हॉस्पिटैलिटी में है, होटल में है, फूड में है, अकोमोडेशन में है, ट्रैवल में है, इन सब में ये कितने भी लोग काम कर रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट में 1.2 मिलियन लोगों को निकाले जाने की संभावना है। और इस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, फूड, अकोमोडेशन और ट्रैवल एजेंसीज़, ये सारी हैम्पर करेंगे। इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन सभी को नुकसान हो सकता है। और 1.2 मिलियन जो लोग हैं, 12 लाख जो लोग हैं वहाँ पे, वो एक्सपैट्स किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। इट मीन्स कि इंडिया के जितने लोग वहाँ पे इस टाइम पे होंगे वो 12 लाख के अंडर में जितने लोग इंडियंस होंगे वो भी निकाले जाएंगे। तो ये भी एक बैड न्यूज़ है। तो ये लगातार आप देख रहे हैं कि हर जगह से कहीं ना कहीं बैड न्यूज़ आ रही है। तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा, ऑनलाइन वर्क को यूज़ करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो होंगे लर्निंग स्किल्स से रिलेटेड होंगे, इनकम अर्निंग से रिलेटेड होंगे, ऑनलाइन इनकम से रिलेटेड होंगे, किस तरह से आपको करना होगा वो सारे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें, उन सभी लोगों तक पहुँच जाए वीडियो ताकि जो लोग डाउट में हैं उनको ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। और जो भी मैंने वीडियो में जानकारी दी है आपको सारे सोर्सेस कलेक्ट करके दी है, आपको ज़रा सा भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके क्लिक करते ही आपको वेबसाइट से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जो सऊदी अरब में मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोगों को निकाला जाएगा अलग अलग सेक्टर से, वो सेक्टर भी मैंने दे दिए हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आगे आने वाली अपडेट होगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसी से रिलेटेड, क्योंकि कुवैत की जो अपडेट है ये जून से इम्प्लीमेंट हो रही है। हालांकि मैं वेट कर रहा था कि आपको कहीं ना कहीं पूरी कंफर्मेशन मिल जाए तब मैं वीडियो बनाऊं। अगर मैं वीडियो बना देता तो वैसे ही जैसे कि ओमान के लिए आज लोग फेक न्यूज़ बता रहे हैं, जबकि ओमान में बहुत सारे सोर्सेज आए, 100 से 150 वेबसाइट्स और जेन्युइन जो प्रेस कंपनीज़ हैं उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। आप चाहें तो ये सर्च भी कर सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे तो आपको ओमान की भी ये न्यूज़ मिल जाएगी कि 7 से 8 लाख लोगों को वहाँ से निकाला जा सकता है और वो प्लानिंग चल रही है। जैसे भी होगा पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रोज़गार हिंद के माध्यम से दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सोर्सेज दिए हुए मैंने, लिंक दिए हुए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।